में रात भर से रेस्क्यू जारी है और अभी भी बोरवेल में महिला का रेस्क्यू जारी है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। अब एलएनटी मशीन से खुदाई का काम भी शुरू हुआ। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, बोरवेल में जो महिला गिरी उसी मामले में आपको अपडेट दे रहा है। कल हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अभी भी जो रेस्क्यू की टीम है वहीं पर मौजूद है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। तो जो बोरवेल में महिला गिरी है उसी से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गिरिराज हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। गिरिराज, फिलहाल क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? कल भी हमने तस्वीरें दिखाई थी, रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम नजर आ रही है जो कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। जिला प्रशासन को यह पता लगा था कि कोई जो महिला है वो बोरमेले में गिर गई है। इस पर जिला प्रशासन, पुलिस वगैरह मौके पर पहुंची थी और उसके पश्चात में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा सका। लेकिन विडंबना यह है कि कल शाम तक, शाम को 6:30 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका। मौके पर जेसीबी मशीन वगैरह मंगवाई गई थी लेकिन तकनीकी कारणों के चलते, क्योंकि तकनीकी रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि खुदाई कहां से करनी है, किस तरीके से करनी है, तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका। ऐसे में फिर 6:30 बजे के लगभग एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम है वो मौके पर पहुंची और उसके पश्चात में जो रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान है वो एसडीआरएफ तथा एनडीआरएफ के जो कप्तान है उन्होंने संभाली और उसके बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन पूरी रात भर से बोरवेल के ऊपर से ही महिला को निकाले जाने के प्रयास किए गए, लेकिन उसके बाद भी विडंबना ये रही कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान महिला का एक हाथ पकड़ में आया लेकिन दूसरा हाथ पकड़ में नहीं आए जाने के कारण के पूरी रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला लेकिन सफलता हासिल नहीं होगी। और ताजा अपडेट यह है कि अब एलएनटी मशीन से खुदाई कार्य शुरू किया गया है। खुदाई कार्य अभी तक चलेगा, लगभग 90 से 100 फीट गहरा बोरवेल बताया जा रहा है, यानी कि मान करके चलिए 90 से 100 फीट तक गहरी खुदाई की जा सकती है और उसके बाद में ही जो महिला है उसको निकाला जा सकेगा। इसमें वक्त लगेगा, कितना वक्त लगेगा फिलहाल कहा नहीं जा सकता। जी ठीक है गिरिराज, आप नजर बना करके रखिए। अभी क्या रेस्क्यू टीम जो पहुंची है उनसे कोई बातचीत हो पाई हो, उनका क्या कहना है फिलहाल इस पूरे मामले में? रेस्क्यू ऑपरेशन जो टीम कर रही है एसडीआरएफ के तथा एनडीआरएफ के, उनका यही कहना है कि जो महिला है उसको ऑक्सीजन दिया जा रहा है लेकिन अंदर स्थिति किस तरीके की है, महिला सुरक्षित है अथवा नहीं, यह भी अभी तक पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। रेस्क्यू जो है वो लगातार जारी है। अब तक जो महिला को निकाले जाने के जो प्रयास थे वो ऊपर से, बोरवेल के ऊपर से ही निकाले जाने के प्रयास थे लेकिन वो प्रयास पूरी तरीके से फेल्योर साबित हुए हैं। ऐसे में अब खुदाई करके ही महिला को निकाला जा सकेगा। ठीक है गिरिराज, आप नजर बना करके रखिए। रेस्क्यू टीम भी लगातार ऑपरेशन में जुटी हुई है कि महिला को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे और